शरीफ, मैं ये नहीं कह रहा कि नवाज शरीफ करप्ट नहीं था, मैं कह रहा हूँ नवाज शरीफ ने बहुत करप्शन करा होगा। अगर आपकी कोर्ट से डिसाइड करती है कि उसको जेल में होना चाहिए, फांसी देनी चाहिए, फांसी तो नवाज शरीफ को, भाई मेरा कौन सा रिश्तेदार लगता है, टांग दो उल्टा उसको। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कम से कम उस बंदे ने कुछ तो करा, उसने हमला तो करा, अटैक तो करा, जंग तो करी, धमाके तो करे, उसने कुछ तो करा, ट्वीट तो नहीं ना करे उसने। लेकिन ठीक है, आप नवाज शरीफ की बात कर रहे हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब के बारे में कहा जाता है ना कि उनके उनको बहुत अच्छे टर्म्स थे इंडिया के साथ, उन्होंने वहां पे इन्वेस्टमेंट की हुई थी नवाज शरीफ साहब ने, शायद इस वजह से आप लोगों को पसंद है। और दूसरा वही एक चीज और मैं आपके पिछले कमेंट को भी यहाँ पे जोड़ू, इससे पहले कि आप बात करें कि आप जो बलूचिस्तान की बात कर रहे थे, तो वहां से जितने भागे हुए लोग हैं जो यहाँ पे गद्दार कहलाए जाते हैं, और पाकिस्तान का हिस्सा है बलूचिस्तान, ये तो सबको पता है, मैप में भी ये सारी दुनिया भी मानती है, तो जो यहाँ नहीं है, बाहर बैठे हुए हैं, वहां से बैठ के वो बुरा भला कहते हैं, वो सब आपके शो में होते हैं, जो आप अपना जो यूट्यूब चैनल का शो होता है आपका, उसमें सारे वही लोग जमा होते हैं, आप किसी ऐसे को साथ क्यों बिठाते हैं उनके, जो उनको उनसे अपोजिट बात कर रहे हो, उनकी बात का जवाब दे सके, जी दो बातें हैं। पहली चीज तो आरजू जी, सबसे पहले हम ना बात कर लेते हैं, नवाज शरीफ ने इन्वेस्टमेंट करी इंडिया में और इसलिए हमें बहुत प्यारा है नवाज शरीफ। ये पाकिस्तान में अक्सर ये बात चलाई जाती है और मैं चाहता हूं कि आप भी इस बात को, पाकिस्तान कितने पैसे हैं नवाज शरीफ के पास? हाँ, पर्सनल लेवल पे वो आदमी करोड़पति है, अरबपति भी है, पर्सनल लेवल पे अरबपति है, पर्सनल लेवल पे उसका खुद का जो पैसा है, और ये उसके वजीर आजम प्रधानमंत्री बनने से पहले का पैसा है, स्टील मिल वगैरह जो नवाज शरीफ की है और जो उनके फादर साहब की थी, जो वो थी। लेकिन इंडिया में लोग कह रहे हैं साहब इंडिया प्यार करता है, कितना पैसा है पूरे पाकिस्तान के पास, कितना पैसा है पाकिस्तान का? सुनिए, नवाज शरीफ पाकिस्तान से तो छोटा ही है ना, पूरे पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज, पूरा पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज आज की तारीख में करीब $8 बिलियन है, $8 अरब है फॉरेक्स रिजर्व जो आपके पास है। इंडिया में हर साल जो इन्वेस्ट होता है वो तकरीबन 90 से लेकर $100 बिलियन होता है हर साल। कितना पैसा है नवाज शरीफ के पास, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। इंडिया को ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं है नवाज शरीफ का पैसा। आप पूरा, आप माफ करिएगा मैं ऐसी बातें कर रहा हूं, लेकिन समझाने के लिए पाकिस्तानी भाइयों बहनों को कर रहा हूं, आप पूरा कराची स्टॉक एक्सचेंज बेच के आप इन्वेस्ट करेंगे, वो हमारे लिए बड़ा पैसा नहीं है। तो लोग कहते हैं नवाज शरीफ ने, वो पाकिस्तान में एक्चुअली पैसे का पता नहीं लोगों को कि असली पैसा होता क्या है। ठीक है, अब हम बोले बड़ी इन्वेस्टमेंट, तो जैसे यूएई ने करी, सऊदी ने करी, 50 बिलियन 70 बिलियन, तब थोड़ा सा मजा आएगा, 100 बिलियन का बोला इन्वेस्टमेंट होगा तो अच्छा लगता है। नवाज शरीफ ने करी, कितनी करी? 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़। मैडम, जो चांदनी चौक जो दिल्ली में है ना, पुरानी दिल्ली में चांदनी चौक में जो वेयरहाउस का जिस तरह बिजनेस है ना, जिसका हार्डवेयर की दुकान है जिसकी, 100 करोड़ तो उसकी औकात है। तो ये सब हाँ, ये पाकिस्तानी भूल जाए कि नवाज शरीफ ने इन्वेस्टमेंट कितना, मैं खुद पूछ रहा हूँ ना, आप दिल पे हाथ रखे, कितना पैसा है नवाज शरीफ के पास, कितना है आखिर, कितना होगा उसके पास? $1 बिलियन $2 बिलियन, दिस इज पॉकेट चेंज, ये रेजगारी है, चिल्लड़ है हमारे लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता इस पैसे से। अगर इन्वेस्टमेंट करिए ठीक है, कल निकाल ले, हमारी तरफ से हमें क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे तो यही इंप्रेशन है कि जो उन्होंने वहां पे इन्वेस्टमेंट की हुई है, और इस वजह से भारत जो है बहुत ज्यादा नवाज शरीफ का साथ देता है ना, कभी जरदारी साहब का नाम नहीं सुना, किसी और लीडर का नाम नहीं सुना। हाँ, अल्ताफ हुसैन जो क्योंकि वो पाकिस्तान के खिलाफ है, तो उनका नाम जरूर आप लोग लेते हैं, हमको आप जरूर शो में बिठाते हैं, लेकिन वो भी जोड़िएगा जो आप वहाँ के लीडर, तो मैं नहीं कहूँगी बलूचिस्तान के, लेकिन तो बलूचिस्तान से भागे हुए लोग हैं, उनको क्यों आप उठा के बात करते हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे जरदारी हो, ठीक है, चाहे जुल्फिकार अली भुट्टो हो, ये सब पाकिस्तानी फौज के प्यादे हैं। ठीक है, जुल्फिकार अली भुट्टो को भी अयूब खान लेकर आया था, अयूब खान को डैडी बोलते थे वो। ठीक है, नवाज शरीफ पंजाब, पाकिस्तानी पंजाब का 1983-84 में फाइनेंस मिनिस्टर लगाया था, किसने लगाया था? ज़ियाउल हक ने। बीबी बेनजीर भुट्टो को कौन लेकर आया? तो ये सब ना, ये जो हम लोग बात करते हैं पाकिस्तान में कि साहब जमहूरियत है, जमहूरियत है, आपके जितने भी
जमहूरियत के जो रहनुमा हैं, लीडर्स हैं, कायदीन हैं, जिनको आप बड़े बड़े मानते हैं, वो सब फौज के GHQ रावलपिंडी की पैदाइश है। पहले मैंने नाम भी बता दिया आपको ना। दूसरी चीज है कि आप ये कहते हैं कि मैं वही फिर बात में कहता हूँ, पाकिस्तानी को थोड़ा सा ये समझने की जरूरत है कि नवाज शरीफ आपका दोस्त है, हमारे 527 ऑफिसर्स एंड मेन राइट ले डाउन देयर लाइव्स इन द सर्विस ऑफ द मदरलैंड एंड कारगिल। कारगिल में हमारे 527 वीरगति को प्राप्त हुए, शहीद हो गए, उस समय नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर था राइट। आपने एटमी धमाके करे, उस समय नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर, वो हमारा दोस्त कहां से हो गया? तो सबसे पहले मैं पाकिस्तानी भाइयों बहनों को यह भी कहना चाहूंगा कि जो आप कहते हैं ना पैसे डाले इंडिया में इन्वेस्ट करे, इनको शायद पता नहीं है कि पैसे होते क्या है। हिंदुस्तानी मुल्क में मैं बता रहा हूं, ये ऐसा नहीं है जो आप लोग समझते हैं कि उसने, मैं कह रहा हूं नवाज शरीफ ने इन्वेस्ट करे भी तो कितने करे, मैं फिर वही बात कह रहा हूं, कितने करे हैं, कितने नवाज शरीफ के पास, नवाज शरीफ का पूरा खानदान, उनकी सारी कंपनियां, उनकी सारी फैक्ट्री, सारे बैंक अकाउंट लंदन में, दुबई में, अमेरिका में, जहां पर हैं, सब कुछ बेच के अगर वो इंडिया ले आए ना सब कुछ, और बोले कि जी इंडिया में मैं इन्वेस्ट करूंगा, वो ऊंट के मुंह में जीरा नहीं है। ये हमारा मुल्क बहुत बड़ा है, जब तक आप इन्वेस्टमेंट आती, जब आप बोलेंगे साहब 10 बिलियन, 15 बिलियन, 20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आ रही है, तब थोड़ा सा मजा आएगा, या 70, 80, 100 बिलियन की बात, या फिर अगर 1 बिलियन की भी इन्वेस्टमेंट हो राइट, पर वो करे माइक्रोसॉफ्ट, जैसे करी है माइक्रोसॉफ्ट ने, वो करे फेसबुक, वो करे गूगल, फिर मजा आता है, फिर 1 बिलियन की औकात नहीं है उसमें, फिर उस ब्रांड की है जिसकी वजह से लोग 100 बिलियन उसके पीछे डालेंगे। अच्छा, आपने बोला साहब आप अपने YouTube प्रो, एक तो ये सब लोग समझते हैं डिफेंसिव ऑफेंस, मेरा नहीं है भाई, वैभव का है वो, मेरा, मैं तो उसमें गेस्ट हूँ, हाँ ज्यादातर मेरे उसमें वीडियोस हैं, वो चुपे रहते हैं, सब बुरा भला आपको कहते हैं, वैभव जी सामने नजर नहीं आते ना, तो वो सारे अटैक्स जो है आपके ऊपर होते हैं। ये वैभव है बदमाश, ये वैभव का चैनल है डिफेंसिव ऑफेंस, मेरा नहीं है। और मैं पता है ज्यादा क्यों आता हूँ डिफेंसिव ऑफेंस में, क्योंकि वैभव मेरे घर के पास रहता है, 5 मिनट के रास्ते में गाड़ी पकड़ के फोन कर देगा, मैं आ रहा हूँ घर पे, या मुझे बोलेगा आप आ जाओ, तो हमारे लिए ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी है, तो वो भी एक रीजन है कि मतलब फट से हो जाता है वीडियो ना, तो वरना बाकी के लिए फिर हम लोग थोड़ा सा दूर रहते हैं दिल्ली से ना, थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो इट्स वेरी क्विक हियर, तो वो भी हो जाता है, प्लस वैभव के साथ एक अच्छी अच्छा तालमेल है, अंडरस्टैंडिंग है इसलिए। अच्छा, दूसरी चीज है कि हम लोग जो फॉर्मेट है डिफेंसिव ऑफेंस का, वो ये फॉर्मेट है ही नहीं बहस का, इट इज अ सिंगल पर्सन टॉकिंग राइट। तो जो एडिटोरियल पॉलिसी है डिफेंसिव ऑफेंस की, वो वैभव कंट्रोल करता है, वो मैं कंट्रोल नहीं करता हूँ, वो वैभव का चैनल है, तो वैभव मुझे सिर्फ टॉपिक बता देगा कि सर आपको ये बोलना है, तो मैं उस पर बोल दूंगा, या आपको इस पर बोलना है, इस पर बोल दूंगा। सो कभी कभी बोल देगा कि अच्छा ठीक है, हरबार मरी से इंटरव्यू कर देंगे, या अल्ताफ भाई के साथ इंटरव्यू कर देंगे। अच्छा, फिर आपने बोला कि साहब जो पाकिस्तान को बुरा भला कहते हैं, आप उनका इंटरव्यू करते हैं, मैडम हम तो सिर्फ इंटरव्यू करते हैं, आप लोगों ने तो पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड गिलानी को देने के लिए बुला दिया, जो गिलानी ने मना कर दिया, हमने कौन सा भारत रत्न दे दिया हरबार मरी को, या फिर अल्ताफ हुसैन को, हमने कौन सा क्या कर दिया, हम तो यूट्यूब चैनल पे ही इनवाइट कर रहे हैं ना सर। प्रोपेगेंडा तो हो जाता है ना, जो आप प्रोपेगेंडा उससे करते हैं, जो अल्ताफ हुसैन और हरबार मरी इस तरह के लोग आके जो बोलते हैं, तो उससे आपको लगता नहीं कि आप इंडिया भारत के टोन को और खराबी की तरफ ले जाते हैं, मुझे ऐसे में भी किस तरीके से हो जाए। लेकिन ये जो लेगेसी पे फायरिंग और वो सिस्टम है, वो तो सिस्टम जो है वो तो खत्म होना। दो चीजें हैं, अगर आप ये कहते हैं कि डिफेंसिव ऑफेंस या वैभव या मैं किसी को इनवाइट करते हैं अपनी शो में और वो प्रोपेगेंडा है, ठीक है, तो वो जो आपकी यूनाइटेड नेशंस में थी ना, जो आपकी सफीर थी परमानेंट, क्या नाम था उनका, मलिया लोधी, उन्होंने तो एक फिलिस्तीनी लड़की की फोटो दिखा दी और बोला कि ये कश्मीरी है, तो वो प्रोपेगेंडा तो नहीं था। इमरान खान साहब ने बांग्लादेश का वीडियो लेके बोल दिया कि ये उत्तर प्रदेश में एंटी सीए राइट्स हो रही हैं, वो प्रोपेगेंडा नहीं था। पाकिस्तान ये कहता है कि हमारा दिल फिलिस्तीनियों के लिए धड़कता है, जबकि सबको पता है कि 1979 में जब जियाउल हक साहब वहां पे थे, पहले ब्रिगेडियर फिर बाद में मेजर जनरल बने, कितने हजार फिलिस्तीनियों का कत्लोगारत हुई है राइट, वो प्रोपेगेंडा नहीं है। प्रोपेगेंडा सिर्फ गौरवारिया करता है बैठ के यहाँ पे,
भाई देखिए, हम एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, मेरी जो मर्जी मैं करूं, अगर मेरे मुल्क ने ऑफिशियली जाके यूनाइटेड नेशंस में झूठ बोला हो, अगर मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी साहब ने अगर झूठ बोला हो, तो फिर आप मुझे बोलिए ना कि साहब आपके प्रधानमंत्री ने झूठ बोला, आप लोगों ने यूएन में जाके झूठ बोला। आप लोग यूएन में जाके झूठ कैसे कोई बोल सकता है यार, सबके सामने। गलती भी तो हो जाती है ना पिक्चर्स उठाने में। नहीं नहीं मैम, नहीं 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 आरजू जी, आई एम सॉरी, मैं माफी चाहता हूँ आपसे, गलतियां नहीं होती। जब मुल्क बात करते हैं गलतियों का, कोई गलती माफी का स्कोप है ही नहीं, है ही नहीं। वो पता है क्या, इतनी एक्साइटमेंट है ना कि हम कश्मीर के बारे में कुछ बोलते हैं, कश्मीर कश्मीर। अब नाउ यू आर राइडिंग अ टाइगर, पाकिस्तान इज राइडिंग अ टाइगर। आपको 72 साल से बोला है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो आपने विश्वास कर लिया, भरोसा कर लिया। अब किसी पाकिस्तानी को बोलिए कि कश्मीर कभी भी नहीं बनेगा पाकिस्तान, वो जिसको कहते हैं ना हिंदी में कहते हैं चमक जाएगा वो, यार ये क्या बोल रहे हो आप, ऐसे थोड़ा ना होता। क्योंकि आपने उसको वही शुरू से ही वो घुट्टी पिलाई है उसको ना, वही चूरन खिलाया है बचपन से। कश्मीर कहीं नहीं जा रहा, ये मैं बता रहा हूं आपको, ये एक लॉस्ट कॉज है पाकिस्तान के लिए। और अक्सर जो एक और मिनट लूंगा आपका विथ योर परमिशन, ये जो बात अक्सर कहते हैं ना कि साहब ये यू नो दुनिया बड़ी इंडिया की साइड लेती है और पाकिस्तान की साइड नहीं लेती, है ना, पाकिस्तान की साइड दुनिया क्यों लेगी, आप ये बताइए। आप कहते हैं चाइना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, क्या इन्वेस्टमेंट कर दिया चाइना ने, उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं, वो लोन है, वो लोन है। जैसे श्रीलंका में हनुमान टोटा पोर्ट है ना, जो 99 ईयर्स के लिए चाइना को चला गया। मैं बता रहा हूँ किसी दिन कराची वराची को बोल देंगे, कराची 99 साल के लिए बिन कासिम पोर्ट गया, गवादर गया। ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान अगर चाहता है, और मैं एज एन इंडियन एक एक मशवरा देना चाहता हूँ, ठीक, अगर आप चाहते हैं कि कोई भी आपको सीरियसली ले, राइट, आप अगले 100 साल तक आप मल्टीनेशनल प्लेटफॉर्म्स में यूएन में जाकर कश्मीर कश्मीर करते ना, किसी को कोई एक रुपए का फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि आप मैटर ही नहीं करते, आप कोई चीज बनाते नहीं है जो आप एक्सपोर्ट करते हैं, आप किसी को खरीद फरोख्त नहीं करते, आपकी इकोनॉमी तबाह हो चुकी है, 4 बार आपके मार्शल लॉ हो चुके हैं वहां पे, सबको पता है पाकिस्तान का असली माई बाप कौन है, बॉस कौन है, उसका नाम है कमर जावेद बाजवा, सबको पता है दुनिया में, एवरीबडी नोज। तो आप दुनिया को देते क्या है, आप चीन को क्या? आप कहते हैं ना चीन के साथ बड़ी शहद से मीठी, और नवाज शरीफ साहब ने बड़ी एक चूरन की टेबलेट खिलाई थी पाकिस्तान को, हिमालय से ऊंची और समुन्द्र से गहरी, दरिया से गहरी, व्हाटएवर एक्स वाई जेड। आप एक बात बताइए, चीन आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा है क्योंकि चीन आपका दोस्त है? ये कोई लव अफेयर चल रहा है चीन के साथ? अरे दो सॉवरेन कंट्रीज आपस में बात करती हैं तो अपने आपसी फायदे की बात करती हैं। आप ये बात बताइए, आपने चीन को क्या दे दिया आज तक? ये सारे रिश्ते लेन देन के होते हैं, ये और किसी चीज के रिश्ते नहीं होते। चाहे चीन और पाकिस्तान आपस में 100 झूठ बोल रहे हैं, इंडिया किसी के साथ झूठ बोल ले, इंडिया को कोई झूठ बोल ले, सच्ची बात तो ये है कि ये, अगर मैं प्योर हिंदी में बोलूं, ये धंधा है और सब लोग गल्ले पे बैठे हैं। यू अंडरस्टैंड गल्ला? गल्ला समझते हैं, करो है ना, कैश बॉक्स। सारे के सारे दुनिया के मुल्क कैश बॉक्स पे गल्ले पे बैठे हैं। आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं और मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, धंधे की बात करिए। ये फालतू की बात की शहद से मीठी और गुड़ से मीठी और ये सब, इसकी कोई जीरो वैल्यू है, ये सब फालतू की बातें हैं। और ये पाकिस्तान को बेवकूफ बनाने के लिए चाइना करता रहता है। आप एक बात बताइए, एक्सेप्ट फॉर लैंड, आपकी जमीन जिसके थ्रू आप उनको राहदारी दे रहे हैं, जिसको हम लोग हिंदी में चुंगी नाका भी बोलते हैं, जैसे कि जो होता है ना जहाँ पे पैसे दे के आगे बढ़ जाते हैं, उसके अलावा पाकिस्तान ने क्या फायदा दे दिया? आप बताइए चीन को एक फायदा बताइए। ये स्ट्रैटेजिक, जियो स्ट्रैटेजिक लंबी चौड़ी बातें नहीं, आप बात सुनिए, ये मैं बता रहा हूँ, मैं पाकिस्तानी टीवी देखता हूँ अक्सर, और ये फालतू की बातें करते हैं, जियो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस, डेटरेंस, स्ट्रैटेजिक डेप। अरे छोड़ो यार, कैश की बात करो, नोटों की बात करो, धंधे की बात करो। चाइना इज एन इकोनॉमिक सुपर पावर। चाइना कैसे बना इकोनॉमिक सुपर पावर? स्ट्रैटेजिक डेप्थ और ये सब बकवास करके नहीं बना चाइना। चाइना इज द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। चाइना ने माल बेचा है, चाइना ने डॉलर कमाए हैं, कितने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के उन्होंने यूएस के बॉन्ड्स, ट्रेजरी बॉन्ड्स खरीद रखे हैं, ये सब पैसे से होता है। आपने चीन को क्या दे दिया? आप ये बता, मेरा एक सवाल का जवाब आप दे, आपने चीन को क्या दे दिया? आदमी जी कहते हैं लोग नहीं सुनते, ठीक कह रहे हैं, यहाँ पे आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि चाइना को, चाइना जो है वो जाहिर है हमारे दोस्त तो यहाँ कहा जाता है, लेकिन जाहिर है उसको हमसे कोई फायदा होगा तो ही वो इन्वेस्टमेंट करेगा। लेकिन साथ ही ये भी है कि ये भी कहा जाता है कि इंडिया को इसलिए प्रॉब्लम है क्योंकि चाइना जो है वो हमारे साथ इन्वेस्टमेंट कर रहा है। चाइना ठीक है, हम जमीन ही सही, लेकिन उसको हमने कुछ तो दिया है, लेकिन आप लोगों की क्योंकि आप लोगों की लड़ाई भी चल रही है, आप लोगों की टेंशन है चाइना के साथ, तो इसलिए भी आपको अच्छा नहीं लग रहा कि चाइना और पाकिस्तान के टर्म्स अच्छे हों। और दूसरा ये भी कहा जाता है कि
अमेरिका जो है वो इंडिया को इस्तेमाल कर रहा है क्योंकि वो चाइना को डायरेक्टली नुकसान नहीं कर पा रहा और चाइना अगला सुपर पावर बनने जा रहा है। तो ऐसा तो नहीं कि जैसे हम लोग इस्तेमाल हुए थे अफगानिस्तान के टाइम पे और हम अभी तक भुगत रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि इंडिया को अमेरिका यूज कर रहा हो और बाद में जी हमारा वाला हाल हो जाए कि वो आप भुगतते रहे दूसरे की जंग जी में पड़े। जी आरजू जी, गजल है गुलाम अली साहब की बड़ी मशहूर, ये बातें झूठी बातें हैं ये लोगों ने फैलाई हैं, तुम इंशा जी का नाम न लो क्या इंशा जी सौदाई हैं। खैर गजलों पे कभी और एक प्रोग्राम करेंगे आपके साथ। देखिए ऐसा है कि ये जो वर्ड है ना कि इंडिया का इस्तेमाल कर रहा है, कोई किसी मुल्क का इस्तेमाल नहीं कर सकता जब तक वो मुल्क खुद ना चाहे कि कोई किसी का इस्तेमाल करे। हम अगर अमेरिका से कुछ खरीदते हैं तो हम अमेरिका के कस्टमर हैं, अमेरिका हमारा वेंडर है। अगर हम प्रेडेटर ड्रोन्स खरीद रहे हैं तो हम अमेरिका को पैसे दे के खरीद रहे हैं। अगर हम अमेरिका से कुछ हम कुछ भी अमेरिका से वेपन सिस्टम्स खरीद रहे हैं, अमेरिका को पैसा दे रहे हैं। अमेरिका का सबसे बड़ा फेसबुक का, ट्विटर का सबसे बड़ा, यूट्यूब का सबसे बड़ा मार्केट कौन सा है दुनिया में? हम बिजनेस दे रहे हैं। तो अगर हम ये तो वही बात हुई कि मैं किसी दुकान में गया, मैंने अपने लिए घड़ी खरीदी, मैंने पैसे दिए, मैंने घड़ी खरीद ली, बहुत अच्छी घड़ी थी, बहुत पॉश दुकान थी, बड़ी अच्छी है, सब खूबसूरत दुकान है, मैंने अपने लिए 1 लाख रुपए की घड़ी खरीद ली और फिर मैं बोलूं कि दुकानदार मेरा फायदा उठा रहा है, कैसे फायदा उठा रहा है भाई? इट्स अ सिंपल ट्रांजेक्शन, इट्स अ ट्रांजेक्शनल रिलेशनशिप। हम पैसे दे रहे हैं, वो सामान बेच रहे हैं, उनको कुछ हमसे चाहिए वो ले जा रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज देखिए ये है कि हमें दिक्कत हो रही है, आपका ये कहना है कि इंडिया को दिक्कत हो रही है कि साहब चाइना पाकिस्तान में इन्वेस्ट क्यों कर रहा है, वो छोड़िए हमें दिक्कत हो रही है नहीं हो रही है, इसको मारिए गोली इस बात को। पाकिस्तानियों को ये सोचने की जरूरत है कि कोई और मुल्क आप में इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहा। कभी सोचिएगा आपकी कोई मुल्क की इन्वेस्टमेंट यूरोप की है 25 मिलियन 50 मिलियन, जो कि क्या होता है, चिल्लड़, बिल्कुल रेजगारी, ठीक है, पॉकेट चेंज। चाइना कर रहा है बिलियंस ऑफ डॉलर्स, आप वो छोड़ दीजिए कि इंडिया को बुरा लग रहा है। इंडिया को अगर बुरा भी लग रहा है तो उससे पाकिस्तान को क्या फर्क पड़ता है? आपको फर्क पड़ता है अगर इंडिया को बुरा लग रहा है? आप तो कह रहे हैं इंडिया को बुरा लग रहा है, लगे तुम्हें बुरा? पाकिस्तान चीन की दोस्ती है, अगर इंडिया को बुरी लग रही है वो छोड़िए मारिए गोली, हमें बुरा लग रहा है, हम झेल लेंगे खुद जो हमें दिल में बुरा लग रहा है। आप ये बताइए कोई और मुल्क आपकी तरफ मुड़ के क्यों नहीं देख रहा, सिर्फ चाइना क्यों कर रहा है? सोचिए, जितना आप गहरा खोदेंगे इस मामले को आपको पता लगेगा कि क्या चल रहा है पाकिस्तान में इस वक्त। और इसका एक हिंट दे देता हूं पाकिस्तानी भाई बहन जो वीडियो देख रहे हैं आपका, कि ये जो आपके रिटायर्ड जर्नल हैं, ये जो आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े खानदान हैं, 400-500 खानदान जो पाकिस्तान चलाते हैं, इसमें से 60-70% के पास या तो उनके बच्चे बाहर हैं या उनकी डूल सिटीजनशिप है, दूसरा पासपोर्ट उनके पास है। क्यों? आप ये सोचिए ना, पूछिए उनसे क्यों। एक पाकिस्तानी जनरल 50-60 साल, 58-60 साल की उम्र में रिटायर होता है, ओके, वन पाकिस्तानी कोर कमांडर, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, फिर आप लोग मेरे खिलाफ FIR कर देंगे 5, मैं परेशान हो जाऊंगा, छोड़ दीजिए। कोर कमांडर साहब रिटायर होते हैं 2016-2017 में, ठीक है, सब हो गए रिटायर कोर कमांडर साहब, 58 साल की उम्र या 60 साल की ऐसी कुछ होगी, 58 साल की उम्र, एक साल के बाद उनको US की सिटीजनशिप मिल जाती है। मैं पाकिस्तानी कोर कमांडर की बात कर रहा हूं। आप एक बात बताइए, एक 60 साल के बुजुर्ग को US क्यों सिटीजनशिप देगा? क्या वो डॉक्टर है? क्या वो साइंटिस्ट है? क्या वो बहुत बड़ा प्रोफेसर है? क्या वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है जो अरबों डॉलर वहां पे लागत लगा रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है अमेरिका में? अमेरिका क्यों देगा, जरा सोचिए। अब मैं आपको बताता हूं, मैं ये बिल्कुल नहीं मानता, मेरी पाकिस्तानी आर्मी से 100 इख्तलाफात हो सकती हैं और हैं भी, और पाकिस्तानी फौज में, पाकिस्तानी आवाम की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तानी फौज मेरी दुश्मन है भी, लेकिन मैंने पाकिस्तानी फौज बॉर्डर पे देखी है, ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल पे पाकिस्तानी आर्मी के साथ मैंने फेस ऑफ करा है। और मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, ऐसा हो नहीं सकता कि अमेरिकन एबटाबाद आए और पाकिस्तानी आर्मी को पता, इतनी गई गुजरी फौज नहीं है आपकी कि PMA काकुल के बगल में ब्लास्ट हो रहा है और पाकिस्तानी आर्मी को पता नहीं लगा? हमने भी पाकिस्तानी फौज देखी है, और मैं फिर कह रहा हूं, है हमारी दुश्मन, हमें फूटी आंख नहीं सुहाती पाकिस्तान आर्मी, ठीक है, लेकिन पाकिस्तानी फौज ऐसी नहीं है कि आप पाकिस्तान के अंदर चले गए,
आप अंदर आए अफगानिस्तान से, चाहे आपके पास स्टेल्थ हेलीकॉप्टर हो, एक्सवाइजेड जो भी हो, हार्डली मैटर्स, आप दो दो तीन तीन चॉपर लेकर आए, आपने 45 मिनट का ऑपरेशन एबटाबाद में करा, जिसमें ब्लास्ट हुए, जिसमें गनफायर हुआ, जिसमें सब कुछ हुआ, और वहां पे आर्मी की क्यूआरटी नहीं आई। हमें पाकिस्तानी आर्मी के प्रोफेशनलिज्म के बारे में अच्छी तरीके से इल्म है। मैं आपको एक और बात बताता हूं, जब अमेरिकन हेलीकॉप्टर आए तो पाकिस्तानियों को पता था, जब वो लैंड करे पाकिस्तानियों को पता था, जब उन्होंने ऑपरेशन करा और ओसामा को लेकर गए पाकिस्तान को पता था। लेकिन मेजर साहब एक बात यहाँ पे और भी कही जाती है, जैसे अमेरिका की बात हो रही है यहाँ पे, तो अमेरिका इसलिए भी भारत के साथ है और भारत के साथ वो खड़ा रहता है क्योंकि उनके इलेक्शन हो रहे हैं, वहां पे जो आपकी कम्युनिटी है इंडियन वो उसमें वोट भी डालेंगे, आप हमसे बड़ी कंट्री है, लोग भी ज्यादा है तो उनको फायदा है, और उसमें ना सिर्फ वोट मिलेगा बल्कि फंडिंग भी होगी डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन में, इसलिए भी कड़ा। दूसरा ये भी कहा जाता है कि खैर हमारी फौज के खिलाफ तो है नहीं आप लोग, और होना भी चाहिए जाहिर है, एक जिस तरह के रिलेशंस है बेहतरीन किस्म के तो एक दूसरे के खिलाफ होंगे, लेकिन साथ ही FATF जो आ रहा है उसके पीछे भी यही कहा जाता है कि इंडियंस हैं, और क्योंकि इंडिया की अमेरिका से दोस्ती अच्छी है, इस वजह से अमेरिका बाकी कंट्रीज पर प्रेशर डाल के पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं होने देता, जो भी आपने बात की कि पाकिस्तान में कोई और इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आती, तो एक बात ये भी यहाँ पे कही जाती है, सही है या गलत जी, लेकिन जी, इस बात में आप कहेंगे जी। आरजू जी, दो बातें, पहली चीज तो ये है कि चाहे नवंबर का इलेक्शन ट्रंप जीते या जो बाइडेन जीते, ठीक है, इंडिया के खिलाफ 19-20 से ज्यादा अमेरिका की पॉलिसी चेंज नहीं होगी, क्योंकि हमारी पॉलिसी अमेरिका के साथ इंस्टीट्यूशनल है, हम अमेरिका से पैसे नहीं मांगते और सबको अपना माल बेचना है, साफ सीधी बात है। जो बाइडेन कुछ बोले कश्मीर के बारे में, क्योंकि आज की तारीख में वो ऑपोजिशन में है, बोलेगा, लोग बोलते हैं, है ना, लोग बोलते हैं, राइट, ठीक, यही अमेरिका है जिसने मोदी साहब को वीजा देने से मना कर दिया था, और ये एयरपोर्ट पे आके रिसीव करते हैं, क्यों, ना परमानेंट दोस्ती ना परमानेंट दुश्मनी, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट्स, मफादात पे मुल्क चलते हैं। जितनी जल्दी पाकिस्तानी समझ ले उतना अच्छा है, कि सिर्फ सेल्फिश इंटरेस्ट पे, चाइना अगर पाकिस्तान में है तो इसलिए नहीं है क्योंकि चाइना को पाकिस्तानियों से मोहब्बत है, चाइना को अपने स्ट्रेटेजिक फायदे दिखाई दे रहे हैं बस, और उनके फायदे में, पर रिलेशनशिप वो होता है जब पाकिस्तान और चाइना दोनों को फायदा हो, इसमें पाकिस्तान को फायदा नहीं हो रहा। और काफी, आप डॉन न्यूज़पेपर की रिपोर्ट पढ़िए, आपको ये पता लगेगा, मैं भेजूंगा आपको, व्हाट्सएप करूंगा, आपको ये पता लगेगा कि कितने लोग हैं जो ये कॉलम्स लिख रहे हैं कि साहब आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कितनी भारी कॉस्ट पे आ रही है, पाकिस्तान इज बिहेविंग लाइक अ टीनेजर विद अ क्रेडिट कार्ड, यू नो, जैसे बच्चे होते हैं ना, क्रेडिट कार्ड हाथ में लग गया, मम्मी पापा का क्रेडिट कार्ड तो स्वाइप करो जी, 15,000 के जूते खरीद लिए, कपड़े खरीद लिए, उनको ये नहीं पता कि किसी को बिल देना पड़ेगा, एक महीने के बाद उसका बिल आएगा और उसमें ब्याज लग के आएगा बिल, आपको ब्याज के साथ वो बिल देना है। तो अभी अभी अच्छा लग रहा है, ये एक्सप्रेस वे बना दिया, ब्रिज बना दिया, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, हमारा जो भी प्रोजेक्ट है, हमारा जो भी अमेरिका अगर इन्वेस्ट कर रहा है, आप हमारी वेबसाइट में जाइए, आप डाउनलोड करिए, एज अ पाकिस्तानी आप हमारी वेबसाइट पे जाइए और डाउनलोड करिए कि साहब आपके क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। आप बताइए, अगर भारत में अमेरिका की इन्वेस्टमेंट आई है 50 बिलियन की, फॉर एग्जाम्पल, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, एज एन इंडियन मेरा हक है जानने का, मेरी सरकार ने कितने उसको क्या प्रॉमिस करें रिटर्न्स, किस कंडीशंस में इन्वेस्टमेंट हुई है, आपकी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जितनी भी हुई है उसका आप दिखाइए मुझे एक भी फाइल, कि कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, उसके अंदर की बात क्या है,